हेलो फ्रेंड्स वेरी वॉम वेलकम टू एल के अकेडेमी आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम सो टूडे वी विल कंटिन्यू विथ आर करंट अफेयर्स लेक्चर्स एंड देर आर सम न्यू टॉपिक्स दैट वी विल गोइंग टू लर्न टूडे आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड दी प्रीवियस करंट अफेयर्स लैक्चर्स बिकॉज देर आर सम टॉपिक्स विच आर अपडेटेड वर्जन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक्स तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू इज़राइल्स आयन डोम एयर डिफेंस सिस्टम तो अगर आप पिछले तीन चार पाँच दिनों से अगर न्यूज़ देख रहे हो तो आपको पता होगा कि इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच ईस्ट जेरूसलम को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है ओके एंड वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो गई है uh, दोनों जो रीजन है वो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल से अटैक कर रहे हैं तो इसराइल ने पैलेस्टाइन की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया गया है उसको रोकने के लिए अपनी जो स्ट्रांगेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया है एंड दैट इज़ वाई उसने इंटरनेशनल न्यूज़ को न्यूज़ uh, में अपनी जगह बनाई है एंड दैट इज़ नोन एज़ आयन डोम एयर डिफेंस सिस्टम अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये यह होना चाहिए कि इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में झगड़ा क्यों हो रहा है तो इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जेरूसलम करके एक शहर है जो कि दुनिया का सबसे होलीएस्ट सिटी माना जाता है सबसे पवित्र शहर माना जाता है अब नाइनटीन फिफ्टीज़ में ये शहर था पैलेस्टाइन के पास राइट बट नाइनटीन सिक्सटी सेवन में इसराइल ने आफ्टर अ सिक्स डे वॉर जेरूसलम शहर का कुछ हिस्सा अपने कब्ज़े में कर लिया और तभी से ये लड़ाई चल रही है पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच कि वो हिस्सा किसका है और जेरूसलेम का जो शहर है तो जेरूसलेम शहर में उसको आप येरूसलेम भी बोल सकते हो या जेरूसलेम भी बोल सकते हो तो क्यों उसको दुनिया का होलीस्ट शहर माना जाता है बिकॉज़ इट इज़ अ सेंटर ऑफ द थ्री बिगेस्ट रिलीजियन ऑन दी अर्थ जो कि है जूश दूसरा है क्रिश्चियनिटी और तीसरा है इस्लाम तो इन तीनों का जो फेथ है उसका जो एपी है वो कहाँ पर है जेरूसलेम में है और ईस्ट जेरूसलेम में एक जगह है जहाँ पर एक मॉस्क बनाया हुआ है उस मॉस्क की एक दीवार को क्रिश्चियनिटी और जूश बिलीफ वाले जो लोग हैं वो लोग अपना रिलीजियस प्लेस मानते हैं होलियस प्लेस मानते हैं और इसीलिए ये जो थर्टी फाइव एकर्स का जो लैंड है उसके ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए वो किसके पास होना चाहिए उसके ऊपर बेसिकली इतने सालों से ये लड़ाई चली आ रही है और ये काफ़ी वायलेंट लड़ाई हो जाती है जब भी आए दिन जब भी झड़प होती रहती है दो गुटों के बीच तो काफ़ी वायलेंट किस्म की लड़ाई हो जाती है और ये पूरी दुनिया इस मुद्दे पर दो हिस्सों में बटी हुई है देखिए क्यों क्योंकि दुनिया के काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने इसराइल को देश मान लिया है बट देर आर मल्टीपल कंट्रीज एंड मोस्टली जो इस्लाम को फॉलो करने वाले कंट्री है वो इसराइल को एक देश एक कंट्री मानने के लिए रेडी नहीं है इंडिया की बात करें तो इंडिया का क्या स्टैंड है सो so, इंडिया का थोड़ा डबल स्टैंडर्ड वाला सीनारी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इंडिया के इसराइल के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है पिछले कुछ सालों से हमारे ट्रेड रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं हमारे डिफेंस रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं अगर इंडिया को कभी भी ज़रूरत पड़ती है यूनाइटेड नेशंस में किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इसराइल हमेशा हमें सपोर्ट करता है राइट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना तो दिक्कत अब यहाँ पे यह है कि इंडिया इसराइल को तो कंट्री मानता है बट साथ में इंडिया पैलस्टीन कॉज को भी सपोर्ट करता है और इंडिया हमेशा से ये बोलता आया है कि अगर आपको मीडिएटर uh, की ज़रूरत है इश्यू सॉल्व करने के लिए तो इंडिया वुड बी हैप्पी टू बी अ मीडिएटर इन बिटवीन ठीक है बट अभी तक ये चीज़ नहीं हो पाई है और इंडिया हमेशा से टू स्टेट थियरी देता आया है कि इसराइल की जैसे पैलेस्टाइन को भी एक अलग कंट्री बना देना चाहिए जिसकी वजह से ये लड़ाई खत्म हो जाए राइट uh, पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज़ है जैसे कि मैंने बताया कि इस्लामिक फेथ को फॉलो करने वाले जो कंट्री है वो इसराइल को कंट्री नहीं मानते तो उनकी फॉरेन पॉलिसी में दुनिया के नक्शे पर इसराइल जैसा कोई कंट्री है ही नहीं ओके okay, और वो लोग हमेशा से पेलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करते आए हैं पेलेस्टीन पैलेस्टाइन के जो मुसलमान हैं उनको वो लोग सपोर्ट करते आए हैं हमने हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स में देखा था अभी दो तीन महीनों पहले कि यूएई चौथा अरब नेशन बना है जिसने जराय को एज अ कंट्री रिकॉगनाइज किया है राइट right? तो ये काफी लंबा इशू है और अभी तक नजदीक के फ्यूचर में इसका कोई रिजोल्यूशन आने के चांसेस हमें नहीं दिख रहे हैं तो इसी के ऊपर हमारा आ, ये टॉपिक है और इंडिया के इसराइल के साथ कैसे रिलेशन है तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइलिटर रिलेशन है इवन इन दिस टेंड सिचुएशन जब से ये इंटरनल युद्ध स्टार्ट हुआ इंटरनल वॉर स्टार्ट हुआ है बिटवीन इसराइल एंड पेलेस्टाइन इन दिस सिचुएशन ऑल्सो इसराइल ने हमें जो मेडिकल इक्विपमेंट थे ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स थे या अदर जो रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स थे उनकी एक बहुत बड़ी खेप इंडिया को भेजी गई है इन इन दिस टेंस्ड सिचुएशन तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके के स्ट्रॉन्ग रिलेशन इंडिया और इसराइल के बीच में होंगे और इसराइल की जो डिफेंस की एक जो टुकड़ी है आ, से आर्मी uh, है उसके बारे में आपने सुना होगा विच इज नोन एज मोसाद ओके चलिए सो इसराइल यूज इट्स डोम एयर डिफेंस सिस्टम इन रिसेंट वायलेंट क्लैशेज ओवर जेरूसलम क्या है ये सो इट इज अ शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम दैट इंक्लूड्स अ रडार अमिर इंटरसेप्टर मिसाइल दैट ट्रैक अ एंड न्यूट्रलाइज एनी रॉकेट्स और मिसाइल्स एम्ड एट इसराइली टारगेट्स तो बेसिकली क्या है कि अगर इसराइल पर कोई टारगेट लगाया जाता है इसराइल के ऊपर अगर कोई मिसाइल अटैक होता है या कोई भी फॉरन एलिमेंट से अगर एयर से अटैक होता है तो उनके पास ऐसे सिस्टम है इतनी मॉडर्न सिस्टम है इतनी अच्छी सिस्टम है कि साइमल्टियसली मल्टीपल जो थ्रेट्स है उसको क्या किया जा सकता है उसको डिमिनिश किया जा सकता है इट इज़ यूज फॉर काउंटरिंग रॉकेट्स आर्टिलरी एंड mortars as well as aircraft helicopters and unmanned aerial vehicles it is capable of being used in all weather conditions including during the day and the night to uske upar weather ka koi itna effect nahi karega chahe koi bhi weather ho agar israel ke upar hamla kiya ja raha hai air ke through to usko seedha seedha नष्ट किया जा सकेगा उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा it was developed by the state run rafael advanced defense system and israel aerospace industries and was deployed in 2011 Rafael claims a success rate over 90% with more than 2000 interceptions. However, experts agree the success rate is over 80%. It can protect deployed or maneuvering forces as well as the forwarding, operating base, and urban areas against a wide range of indirect and aerial threats. ठीक है तो बेसिकली अब काफ़ी सारे कंट्री ये सोच रहे कि ऐसे सिस्टम सबके पास होनी चाहिए या तो सेम सिस्टम या तो सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम होनी चाहिए ताकि अपनी जो बॉर्डर से उसकी प्रोटेक्शन की जा सके द आयन डोम हैज थ्री मेन सिस्टम्स दैट वर्क टूगेदर टू प्रोवाइड अ शील्ड ओवर द एरिया वेर इट इज डिप्लॉयड विच आर रडार सो इट हैज अ डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार टू स्पॉट एन इनकमिंग थ्रेड्स वेपन कंट्रोल

मिसाइल तो वो कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली काम करता है ये थ्री आपके मेजर कंपोनेंट है एयर डिफेंस सिस्टम में ओके okay? देखिए इस तरीके से कुछ वो काम करता है ये आपका एरोडोम एयर डिफेंस सिस्टम है और ये आपका फॉरेन मिसाइल है या फॉरेन एलिमेंट है जो कि आपके लिए थ्रेट है उससे आपको अपने इलाके का प्रोटेक्शन करना है तो यहाँ से उसको क्या किया जाएगा सीधा सीधा डिस्ट्रॉय कर दिया जा सकेगा ओके okay, और यहाँ पे देखिए स्मॉल मैप आपको दिया हुआ है दिस इज़ द गाज़ा स्ट्रिप विच इज़ इन रेड गाजा स्ट्रिप ऑल्सो इज़ वन ऑफ द हाईली मिलिट्राइज एरिया अक्रॉस द वर्ल्ड ठीक है और ये है आपका जेरूसलेम ईस्ट जेरूसलम वाला जो पार्ट है दैट इज मोस्टली इसराइल ये बोल रहा है कि जेरूसलम हमारा शहर है uh, पैलेस्टाइन ये बोल रहा है कि जेरोसलम इज़ आर कंट्री और इसीलिए ये तीनों फेथ के बीच क्या होता रहता है आए दिन झगड़े होते रहते हैं सो इंडियन ऑल्टरनेटिव क्या है इसके लिए सो इंडियन ऑल्टरनेटिव में हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम है दैट इज एयर फोर हंड्रेड ट्रीएम्फ सो इंडिया हैज़ एयर फोर हंड्रेड ट्रीएम्फ विच ऑल्सो केटर्स टू थ्री थ्रेड्स लाइक रॉकेट्स मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल्स बट दे हैव मच मोर मच लॉन्गर रेंज तो ओके इसराइल का जो हमने uh, आयन डोम सिस्टम देखा दैट इज़ फॉर शॉर्ट रेंज बट जो हमारे पास एस फोर हंड्रेड ट्री एम है दैट इज़ फॉर मच लॉन्गर रेंज इट हैज़ मच लार्जर एयर डिफेंस बबल टू नॉक ऑफ थ्रेड्स तो हम ज़्यादा एयर बबल को कवर कर सकते हैं ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थ्रेट रिकग्नेशन इट इज़ अ मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डिजाइन बाई रशिया उसकी रेंज एंड इफेक्टिवनेस क्या है सो द सिस्टम कैन एंगेज ऑल टाइप्स ऑफ एरियल टारगेट्स विद इन द रेंज ऑफ फोर हंड्रेड किलोमीटर्स एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अप टू थर्टी किलोमीटर्स द सिस्टम कैन ट्रैक हंड्रेड एयर टारगेट्स एंड एंगेज सिक्स ऑफ देम साइमल्टेनियसली नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है अश्विन एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल इट इज़ ऑल्सो एन इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड एयर एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल विच इज़ डेवलप्ड बाई डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डी आर डी ओ के थ्रू अश्विन एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोड्यूस किया गया है सो इट इज कम्प्लीटली इंडिजीनियस पूरी तरह से इंडिया में बनाया गया है स्वदेशी जिसको हम कहेंगे इट इज़ दी एडवांस्ड वर्जन ऑफ द लो अल्टीट्यूड सुपरसोनिक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल द मिसाइल ऑल्सो हैज़ इट्स ओन मोबाइल लॉन्चर सिक्योर डाटा लिंक फॉर इंटरसेप्शन इंडिपेंडेंट ट्रैकिंग एंड होमिंग कैपेबिलिटीज एंड सोफेस्टिकेटेड रेडार्स रेंज क्या होगी सो इट यूजेज एन इंडोस्फेरिक इंटरसेप्टर दैट नॉक्स आउट बेलिस्टिक मिसाइल्स एट अ मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड ऑफ सिक्सटी थाउजेंड टू वन लैक फीट एंड अक्रॉस अ रेंज बिटवीन 90 टू वन ट्वेंटी फाइव माइल्स तो ये उसकी आपको रेंज जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे दी गई है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ट्वेंटी 22 सीरीज़ तो गवर्नमेंट ने एक नई इन्वेस्टमेंट स्कीम निकाली है जो कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की स्कीम है सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आर बी आई हैज़ डिसाइडेड टू इश्यू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इन सिक्स ट्रांचिज फ्रॉम मे ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू सितंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन बेसिकली छः फेजिज में इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा जो इसके सेगमेंट है वो छ फेजिज में रखे गए हैं वॉट इज एस जी बी सो दिस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम वॉज लॉन्च इन नवम्बर ट्वेंटी फिफ्टीन विथ एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूज द डिमांड फॉर फिजिकल गोल्ड एंड शिफ्ट अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक सेविंग्स यूज फॉर दी परचेज ऑफ गोल्ड इन टू फीनेंशियल सेविंग्स तो देखिये जनरली इंडिया में ये एक कल्चर है कि थोड़ा बहुत चाहे जितना भी महंगा हो थोड़ा बहुत गोल्ड लेकर सेविंग्स के तौर पर रख दिया जाता है राइट बट इस पोजीशन uh, में गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलेगा जब गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड की स्कीम लेके आई है तो इससे क्या होगा कि आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आप अगर सौ रुपये गवर्नमेंट को दे रहे हो तो गवर्नमेंट आपको पेपर के ऊपर लिख कर दे देगा कि आपने इतने गोल्ड uh, के बराबर का पैसा गवर्नमेंट की स्कीम में इन्वेस्ट किया है राइट और अभी गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है तो निश्चित रिटर्न पे अश्योर्ड रिटर्न पे गवर्नमेंट आपको ये बॉन्ड इश्यू करेगी इश्यूएंस कैसे होगा सो द गोल्ड बॉन्ड्स आर इश्यूड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक अंडर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006। थाउजेंड एंड सिक्स दीज आर इश्यूड बाई दी आर बी आई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स आर सोल्ड थ्रू कमर्शियल बैंक स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेस एंड रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंजेस वाया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इधर डिरेक्टली और थ्रू एजेंट्स तो ये सारी एजेंसीज जिसके थ्रू ये जो बॉन्ड्स है वो आपको इशू किए जाएंगे इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट यू कैन कॉन्टेक्ट दीज एजेंसी एलिजिबिलिटी क्या होगी सो द बॉन्ड्स आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर सेल

नाइन 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 प्योरिटी दैट इज ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड पब्लिस्ड बाई इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन आई बी जे ए मुंबई इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या होगी सो so, अलग अलग सेक्शन uh, के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट लिमिट रखी गई है गोल्ड बॉन्ड्स कैन बी परचेज इन दी मल्टीपल ऑफ वन यूनिट अप टू सर्टेन थ्रेश होल्ड फॉर डिफरेंट इन्वेस्टर्स तो एक यूनिट के मल्टीप्लीकेशन में आप गोल्ड uh, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड uh, दी अपर लिमिट इज डिसाइडेड ऑलरेडी डिसाइडेड बाई द गवर्नमेंट दी अपर लिमिट फॉर रिटेल मीनिंग इंडिविजुअल अगर कोई एक या जैसे रिटेल में कोई लेना चाहे सो द रिटेल इन्वेस्टर्स एंड एच यू एफ इज फोर किलोग्राम्स फोर थाउजेंड यूनिट इच पर फिनेंशियल ईयर फॉर ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज तो यहाँ पे वन यूनिट जो हो गया वो कितना हो गया दैट इज वन ग्राम ऑफ गोल्ड तो अगर मान लीजिए कि वन ग्राम का जो प्राइस है दैट इज फोर थाउजेंड रुपीज और अगर आप दस हज़ार रुपये बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो सो उसका क्या मतलब हुआ कि आपने दस हज़ार जितना जितना सोना आ सकता है उतना पैसा आपने गवर्नमेंट को दिया है एंड अपर लिमिट ऑफ ट्वेंटी किलोग्राम्स पर फिनेंशियल ईयर इज़ एप्लीकेबल सो ट्रस्ट और सिमिलर एंटिटीज के लिए बीस किलोग्राम का लिमिट रखा गया है मिनिमम परमिसेबल इन्वेस्टमेंट इज़ वन ग्राम ऑफ गोल्ड टर्म क्या है सो द गोल्ड बॉन्ड्स कम विथ अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ एट ईयरस विथ एन ऑप्शन टू एग्जिट दी इन्वेस्टमेंट्स After the first five years, in interest rate, a fixed rate of 2.5 per annum is applicable on the scheme, payable semi annually. The interest on gold bonds shall be taxable as per the provision of income tax. टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन तो उसके ऊपर जो रिटर्न मिलेगा देट विल भी टैक्सेबल इनकम बेनिफिट क्या होंगे इस इसके सो बॉन्ड्स कैन बी यूज एज कोलेट्रल फॉर लोन्स देखिए कोलेट्रल का मतलब क्या है कि जब भी आप बैंक में लोन लेने जाओगे या और किसी एजेंसी के पास लोन लेने जाओगे तो आपके पास आ, अपने फिनेंशियल बैकग्राउंड को बैकअप करने के लिए यू शुड हैव समेट तो वो असेट इज नोन एज कोलेटरल ताकि अगर इफ यू फेल टू प्रोवाइड द इंस्टॉलमेंट टू दू नो रूटेड एजेंसी तो आपके जो कोलेट्रल में आपने जो रखा था उसके थ्रू बैंक या एक्स वाई जेड एजेंसी जो भी फिनेंशियल एजेंसी से आप पैसा ले रहे हो वो एजेंसी आपके कोलेट्रल असेट से अपना पैसा क्या कर सके रिकवर कर सकती है द कैपिटल गेन्स टैक्स अराइजिंग ऑन रेडेम्शन ऑफ एस जी बी टू एन इंडिविजुअल हैज बीन एग्जेम्प्टेड रेडेम्पन इज द एक्ट ऑफ इश्यूअर रीपर्चेजिंग अ बॉन्ड एट और बिफोर मेच्योरिटी कैपिटल गेन इज दी प्रॉफिट अर्न ऑन द सेल ऑफ एन असेट लाइक स्टॉक्स बॉन्ड और रियल असेट रियल एस्टेट इट रिजल्ट इट इन वेन द सेलिंग प्राइज ऑफ एन असेट एक्सीड्स इट्स परचेज प्राइस डिसएडवांटेज क्या है एस डी बी में इन्वेस्ट करने के गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट करने के सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अनलाइक फिजिकल गोल्ड विच कैन भी सोल्ड इमीडिएटली तो देखिये मैंने पहले ही कहा है कि फिजिकल गोल्ड आपको जब भी ज़रूरत होगी आप उसको uh, दूसरे दिन दुकान में जाकर यू कैन सेल इट एंड यू कैन एन कैश इट आप उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है आपको जब तक आ, पाँच साल का जो लॉक इन पीरियड टोटल मच्योरिटी पीरियड इज़ एट ईयर्स बट फाइव ईयर्स का लॉक इन पीरियड है आप उसके पहले उसमें से अपना पैसा नहीं निकाल पाओगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर लिस्टेड ऑन एक्सचेंज बट द ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आर नॉट हाई देयरफॉर इट विल बी डिफिकल्ट टू एग्जिट बिफोर मच्योरिटी ओके okay, तो ये एक इजी टॉपिक था नेक्स्ट अगेन जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू इसराइल एंड पेलेस्टाइन सो अल अक्सा मॉस्क एंड शेख जर्रा इज़रायल एंड पैलेस्टाइन सो रिसेंटली इसराइली आर्म्ड फोर्सेस अटैक्ड अल अक्सा मॉस्क इन द हरम शरीफ दैट इज देर इज अ रीजन और एरिया कॉल्ड हरम शरीफ इन जेरूसलम हेड ऑफ अ मार्च बाई जियोनिस्ट नेशनलिस्ट कमोमोरेटिंग कैप्चर ऑफ़ द ईस्टर्न हाफ ऑफ द सिटी इन नाइनटीन सिक्सटी सेवन दविक्शन ऑफ डजन ऑफ पैलेस्टीनियन फैमिलीज इन द ईस्ट जेरूसलम नेबरहुड ऑफ शेख जर्रा एस्केलेटेड द क्राइसिस फर्दर तो देखिए बेसिकली क्या हुआ था छः फैमिलीज जो थे जो कि पैलेस्टाइन को बिलोंग करते थे वो लोग ईस्ट जेरूसलम में रह रहे थे विच इज कंट्रोल्ड बाई जूइश ऑथॉरिटी इन इसराइल अब इसराइल की कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि जो पेलस्टीनियन मुस्लिम्स हैं उनको ज्यूइश लैंड छोड़कर जाना पड़ेगा बेस्ड ऑन दी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस और इसको पेलेस्टीनियन के लोगों ने अपना Uh, अस्तित्व की लड़ाई बना दिया और इसके सामने उन लोगों ने क्या कर दिया प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और वहीं से यह पूरा जो इंटरनल वॉर है वो स्टार्ट हुआ है सो द थ्रेटेंड एविक्शन ऑफ डजन्स ऑफ पेलेस्टीनियन फैमिलीज इन द ईस्ट जेरोसलम नेबरहुड ऑफ शेख जर्रा एस्केलेटेड इन द क्राइसिस फर्दर तो देखिए शेख जर्रा के बारे में आपको ईजिली आपकी अपकमिंग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है सो इट्स एन एरिया जहाँ पे पेलेस्टीनियन फैमिली काफ़ी सालों से रह रहे थे uh, जराइल की कोर्ट ने उनको एविक्शन का नोटिस दे दिया बेस्ड ऑन दी ओल्डर एविडेंस. ज़ियोनिज्म इज अ वर्ल्ड वाइड जूश मूवमेंट दैट रिजल्टेड इन दस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल एंड नाउ सपोर्ट्स दी स्टेट ऑफ इजराइल एज अ ज्यूश होमलैंड ओके और देखिये बेसिकली जो आगे हमने मैप uh, देखा It is the same map. यहाँ आपका गाजा पट्टी हैलो कलर का जो दिख रहा है जेरोसलम ये जो पिंक कलर का आपको वेस्ट uh, बैंक वाला जो इलाका दिख रहा है दैट इज दस्टीनियन कंट्रोल्ड स्टेट और उसके बाजू में आपको सीरिया uh, और जॉर्डन भी दिखेगा सो अल अक्सर मॉस्क क्या है इट इज दफ दी होलीस्ट स्ट्रक्चर इन द इस्लामिक फेथ it sits uh, sits inside the 35 acre site known by muslims at haram al sharif or the noble sanctuary and by jews as the temple mount to dekhiye dono faith ka jo building hai that is the similar building jaise hamare yahan ayodhya ka scenario tha ki muslim bhi usko कंट्रोल करना चाहते थे उसको क्लेम करते थे वो ज़मीन को एंड इंडियन कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी इज़ आल्सो क्लेमिंग दी सेम लैंड तो सेम सीनारियो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे तीन जो बड़े बड़े फेथ है वो यहाँ पे आपको लड़ते हुए दिखेंगे दैट इज क्रिस्टी इस्लाम एंड जूश द साइट इज पार्ट ऑफ द ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम सेक्रेड टू क्रिस्टियंस जूश एंड मुस्लिम्स इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन कम्पलीटेड अर्ली इन सेंचुरी एंड फेस इज द डोम ऑफ द रॉक द गोल्डन डोम्ड इस्लामिक श्राइन दैट इज अ वाइडली रिकोगनाइज सिम्बॉल ऑफ जेरूसलम The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, we popularly know it as UNESCO, has classified the old city of Jerusalem and its walls as a World Heritage Site. Conflict over Jerusalem, kya conflict hai? so Jerusalem has been at the center of the Israeli-Palestinian conflict. According to the original 1947 United Nations Partition Plan, Jerusalem was proposed to be an international city. बट इन द फर्स्ट अरब इज़राइल वॉर ऑफ नाइनटीन फोर्टी एट द इज़राइल इज कैप्चर्ड द वेस्टर्न हाफ ऑफ द सिटी एंड जॉर्डन टू द ईस्टर्न पार्ट इंक्लूडिंग द ओल्ड सिटी दैट हाउस इज हराम शरीफ तो देखिए नाइनटीन सिक्सटी सेवन तक ये जो कॉन्ट्रोवर्शियल जो लैंड है वो किसके कब्जे में था जॉर्डन के कब्जे में था बट आफ्टर 1967 जो सिक्स डे वॉर की मैं बात कर रहा था सो इसराइल कैप्चर्ड ईस्ट जेरूसलेम फ्रॉम जॉर्डन इन सिक्स डे वॉर 1967 एंड सेवन इट लेटर और तब से इसराइल वहाँ पे काफी सारे रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग बनाया जा रहा है और इसराइल का अभी भी पूरे जेरूसलम शहर को इसराइल अपनी कैपिटल uh, बनाना चाहता है सिंस इट्स अनेक्शन इसराइल हैज़ एक्सपांडेड सेटलमेंट्स इन ईस्ट जेरूसलम इसराइल सीज द होल सिटी एज द यूनिफाइड इटर्नल कैपिटल वेर एज दैलस्टीनियन लीडरशिप अक्रॉस द पोलिटिकल स्पेक्ट्रम हैव मेन्टेन दैट दे वुड नॉट एक्सेप्ट एनी कॉम्प्रोमाइज फार्मूला फॉर द फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट अनलेस ईस्ट जेरूसलम इज इट्स कैपिटल तो दोनों ही दोनों को ही इसका अपना खुद का कैपिटल बनाना है और जब

क्लैशेज होने लगे जिसकी वजह से 1948 में नया इसराइल स्टेट बनाया गया जो कि जूश मेजोरिटी वाला इलाका है 28 ऑफ ट्वेंटीनियन फैमिलीज मूव्ड टू शेख जर्रा इन ईस्ट जेरूसलम टू सेटल देयर इन 1956 व्हेन ईस्ट जेरूसलम वाज रूल्ड बाय जॉर्डन द दॉर्डेनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड द यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फैसिलिटेटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस for these families in Sheikh Jarrah, but Israel would capture East Jerusalem from Jordan in 1967. By the early 1970s, Jewish agencies started demanding the families leave the land. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन families को घर छोड़ना पड़ा, वहाँ की court ने भी यही verdict दिया और उसकी वजह से पूरा Palestinian में ये हो गया कि अब तो ये हमारे अस्तित्व के ऊपर बात आ गई है, हमारे existence के ऊपर ये बात आ गई है. So we won't let uh, let this happen.

द फर्स्ट नॉन आरब कंट्री टू रिकोगनाइजाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी पैलेस्टीनियन अब देखिए पेलेस्टाइन में हमास करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफी अग्रेसिवली इसराइल के सामने लड़ता है और इसराइल के ऊपर ये सारे मिसाइल अटैक जो कर रहा है दैट इज ऑल्सो दी फ्रॉम दमास अब हमास को यूएसए, जर्मनी और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ क्या मानते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं राइट right? उसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं मानता है तो इसीलिए यहाँ पे आप आपको लिखा गया है कि पैलेस्टीनियन कॉज के ऊपर अगर बात कर, कोई करेगा तो इंडिया की तरफ से सिर्फ और सिर्फ पी को रिकोगशन दिया गया है नो अदर एजेंसीज इज़ रिकोगगनाइज बाई इंडिया फार इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकोगनाइज द स्टेटहूड ऑफ पैलेस्टाइन इन नाइनटीन एटी एट इन ट्वेंटी फोर्टीन इंडिया फेवर्ड यू एन एच आर इज रेजोल्यूशन टू प्रोब इसराइल ह्यूमन राइट वायोलेशन इन गाजा डिस्पाइट सपोर्टिंग दी प्रोब इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट इजराइल इन यू एन एच आर इन ट्वेंटी फिफ्टीन तो देखिये इंडिया चाहता तो था कि इसराइल का जो ह्यूमन राइट वायोलेशन है उसकी uh, uh, जाँच की जाए इन दाजा स्ट्रिप बट जब वोटिंग की बारी आई तो इंडिया एब्सेंट रहा और उसने एब्सटेंड कर दिया उसने इसराइल के खिलाफ वोट ही नहीं किया राइट right? तो यहाँ पे इंडिया के डबल स्टैंडर्ड सामने आते हैं और उसका रीज़न ऑलरेडी मैं आपको बता चुका चुका हूँ कि इंडिया के जो ट्रेड और डिफेंस रिलेशन है इसराइल के साथ दैट इज़ गोइंग स्ट्रांग डे बाय डे ठीक है पैलेस्टाइन के साथ हमारा इतना वैसे भी रिलेशन नहीं है बट क्योंकि हम मोरली ओपनली ये नहीं बोल सकते कि वी सपोर्ट इज़राइल एंड दैट्स वाई जस्ट ऑन दी मोरल ग्राउंड मोरल ग्राउंड को और इंडिया की जो मोरल इमेज है मोरालिटी की जो इमेज है उसको सपोर्ट करने के लिए उसको ग्लोरिफाई करने के लिए इंडिया ये बोलता है कि वी सपोर्ट पैलेस्टीनियन कॉज एज वेल एज अ पार्ट ऑफ द लिंक वेस्ट पॉलिसी इंडिया हैज़ अ डी हाइफनेटेड इट्स रिलेशनशिप विथ इज़राइल एंड पेलेस्टाइन इन ट्वेंटी एटीन टू ट्रीट बोथ दी कंट्रीज म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एंड एक्सक्लूसिव तो जब सुषमा स्वराज हमारी फॉरन uh, मिनिस्टर हुआ करती थी तो वो एक ही दौरे में जब एक ही विजिट पे गई थी तो वो इसराइल भी गई थी और पैलेस्टाइन भी गई थी और इंडिया ने काफ़ी क्लियर कर दिया था कि दोनों कंट्रीज़ को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाएगा और इंडिया इंडिया दोनों को अपने अपने तरीके से सपोर्ट करेगा इन जून 2019 इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ अ डिसीजन इंट्रोड्यूस्ड बाय इजराइल इन द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल दैट

नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड ऑल्सो इट इज़ रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट सो और वो है बायोडिग्रेडेबल योगा मैट तो आसाम की छह लड़कियों ने ऐसे बायोडिग्रेडेबल योगा मैट बनाया है जो कंपोस्टेबल है और जिससे एनवायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा सो रिसेंटली सिक्स यंग गर्ल्स

ऑटोनोमस सोसाइटी सेटअप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विथ इट्स हेड क्वार्टर्स एट शिलोंग मेघालय दी मुरहैन योगा मेट इज़ नेम्ड आफ्टर काम सोराई पर्पल मुरहैन रेसिडेंट बर्ड ऑफ डिपोर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओके okay, और डिपोर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पढ़ चुके हैं कब पढ़े थे जब हमने रामसार कन्वेंशन के बारे में बात की थी और इंडिया में वन ऑफ दी रामसार साइट्स इज डिपोर भील जो कि है आसाम से इट इज अंड वुवन हंड्रेड परसेंट बायोडिग्रेडेबल एंड 100% परसेंट कम्पोस्टेबल मैट डेवलप्ड फ्रॉम वाटर हेयर सिंथ वाटर हेयर सिंथ का मतलब क्या है जो वाटर uh, के ऊपर की जो एक्स्ट्रा लेयर आपको कभी uh, आलगी के फॉर्म में या इन एनी अदर फॉर्म जो कि वाटर के ऊपर आपको दिखती है राइट विच इज नॉट

को मैन्युअली हटाना पड़ता है और उसको हम क्या करते हैं एज ऑफ ना उसका कोई यूज नहीं है और वो फॉरेन बॉडी है इन एक्चुअल इकोसिस्टम राइट अगर मान लीजिए मैं किसी uh, तापी नदी की या नर्मदा नदी की बात करूँ तो अगर मैं नर्मदा रिवर की या तापी रिवर की बात करूँगा तो अगर आपको उसके ऊपर आलगी जमी हुई दिखेगी तो वो आलगी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्चुअल वाटर इको सिस्टम दैट इज़ अ फॉरन एलिमेंट और जभी जभी भी वो फॉरेन एलिमेंट आएगा वो एक्चुअल वाटर बॉडी को क्या करेगा uh, उसकी जो क्वालिटी है उसको डिक्रीज करेगा इवन वाटर क्वालिटी को डिक्रीज़ करेगा और अंडर वाटर लाइफ को भी वो क्या करेगा थ्रेट रहेगा तो इसीलिए अगर उसको हटा दिया जाए और उसको इक, उसका कोई कमर्शियलाइज यूज़ हो सो नथिंग गुड देन दैट तो ये चीज़ यहाँ पर हमें सीखनी है वाटर ही इज अ टाइप ऑफ इन्वेजिव फ्लोटिंग प्लांट फाउंड इन वाटर बॉडीज अक्रॉस दर्ल्ड These invasive species block the sunlight reaching and oxygen level in water systems, which results in damaging water quality and seriously affecting various life from in the forms in the ecosystem. It also referred to as the terror of uh, Bengal, given its effect.

ओके okay. तो इसीलिए वाटर हियािन को रिमूव करना ज़रूरी है एज ऑफ नाउ जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो इसको मैन्युअली रिमूव करती है अगर उसका जो कमर्शलाइज यूज़ हो रहा है सो दैट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी डिपोर भील क्या है सो so, डिपोर भील लोकेटेड अबाउट टेन किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ गौहाटी सिटी इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट रिवर इन वेटलैंड इन दी ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ लोअर आसाम डिपोर विल हैज बोथ बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इम्पॉर्टेंसाइड बींग दी मेजर स्ट्रॉन्ग वाटर स्टोरेज बेसिन इन गुहाटी सिटी इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द स्टेजिंग साइट्स फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स इन इंडिया तो जब माइग्रेटरी बर्ड्स ईस्ट टू वेस्ट जब ट्रेवल करते हैं राइट तो वो डिपोर व्हील में एज अ रेस्टिंग प्लेस को वहां पे हमें देखने को मिलेगा सो एंड सम ऑफ द लार्ज कॉन्ग्रिगेशन ऑफ़ एक्वेटिक बर्ड्स इन आसाम ड्यूरिंग विंटर बिकॉज ऑफ द रिचनेस ऑफ एवियन फोना इट एंजॉय डिपोर बिल हैज बिन सिलेक्टेड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया साइड बाई बर्ड लाइफ इंटरनेशनल डीपर बिल है रामसार साइट इन नवम्बर टू थाउजेंड एंड टू विच वी ऑलरेडी नो अब यहाँ पे आपको एक बार रिवाइज करना है दैट वॉट इज रामसार साइट कब कब रामसार साइट को रिकोगनाइ किया गया है क्या रीज़न है कि उनको रिकोगनाइज़ किया गया है क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक है क्या उनकी स्पेशलिटी है कौन से स्टेट में कौन से रामसार साइट है ये भी हमें पता होना चाहिए एंड द एक्चुअल आइडिया ऑफ रामसार कन्वेंशन uh, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ म्यूकर माइकोसिस तो जो कोविड से रिकवर पेशेंट है उनमें आजकल ये म्यूकर माइकोसिस का जो नया डिजीज़ है वो देखने को मिल मिलता मिल रहा है विच इज़ रिलेटेड टू फंगल इन्फेक्शन सो अ नंबर ऑफ कोविड 19 पेशेंट्स आर डेवलपिंग अ सीरियस फंगल इन्फेक्शन नोन एज म्यूकर माइकोसिस कॉल्ड ब्लैक फंगस क्या है म्यूकर माइकोसिस सो इट इज अ सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉल्ड म्यूकर माइसेट्स विच इज एबंडेंट इन द एन्यरमेंट तो वो काफ़ी इजीली एनवायरनमेंट में देखने को मिल जाते हैं इट मेनली अफेक्ट्स पीपल हु हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स और टेक मेडिसिन दैट लोअर दी बॉडीज एबिलिटी टू फाइट जर्म्स एंड सिकनेस तो देखिए कोविड की वजह से क्यों ये सिर्फ कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स को ऑफ ना हो रहा है क्योंकि कोविड नाइन्टीन को क्योर करने के लिए आपको काफ़ी हैवी डोज दवाइयों का दिया जा रहा है तो आपकी बॉडी जब इतना हैवी डोज लेकर वो ऑलरेडी वीक हो जाती है और उसकी वजह से ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो ईजीली आपके बॉडी में फैल सकता है द टाइप ऑफ म्यूकर माइकोसिस आर राइनोसेलेब्रल पल्मोनरी गेस्ट्रो इंटेंशनल क्यूटेनियस एंड डिसेमिनेटेड म्यूकर माइकोसिस तो दीज आर वेरियस काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ म्यूकर माइकोसिस ट्रांसमिशन कैसे होगा इट अकर्स थ्रू इन्हेहेलेशन inoculation और इंजेशन ऑफ spores फ्रॉम the environment म्यूकर माइकोसिस डज नॉट स्प्रेड बिटवीन पीपल और बिटवीन पीपल एंड एनिमल्स तो ये पीपल टू पीपल या पीपल टू एनिमल एज ऑफ नाउ नहीं फैल रहा है जो अभी की स्टडी हमें यही बता रही है दिस इंक्लूड पेन एंड रेडनेस अराउंड आईज एंड और नोज फीवर हेड एक कफिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ब्लड वॉमिट्स एंड ऑल्टरमेंटल स्टेटस तो अगर ये सारे uh, सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं सो दैट कुड बी ड्यू टू म्यूकरमाइकोसिस वार्निंग साइंस कैन इंक्लूड टूथ एक दांत में दर्द होना लूजिंग ऑफ टीथ अचानक दांत का गिर जाना ब्लड और डबल विजन विथ पेन ओके okay? आपको सारी चीज़ें धुंधली दिखने लगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो म्यूकर माइकोसिस की वजह से हो सकती है प्रिवेंशन सो अवॉइडिंग एरियाज विथ अ लॉट ऑफ डस्ट लाइक कंस्ट्रक्शन और साइट्स अवॉइडिंग डिरेक्ट कॉन्टेक्ट विद वाटर डैमेज बिल्डिंग्स एंड फ्लड वाटर आफ्टर हरिकेन्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स एंड अवॉइडिंग एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व क्लोज कॉन्टेक्ट टू सॉइल ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी सो म्यूकर माइकोसिस नीड्स टू बी ट्रीटेड विथ प्रिस्क्रिप्शन एंटीफंगल मेडिसिन इन सम केसेज इट कैन ऑल्सो रिक्वायर अ सर्जरी ओके सो दिस वॉज क्वाइट एन ईजी टॉपिक नेक्स्ट एक हमारा छोटा सा टॉपिक है जो कि हमें न्यूज में देखने को मिला था दैट इज दाहला डैम कहाँ से है ये अफ़गानिस्तान से और क्यों न्यूज़ में है बिकॉज रिसेंटली द तालिबान हैज़ कैप्चर्ड अफ़गानिस्तान सेकेंड बिगेस्ट डैम नोन एज दहला डैम और मैप के ऊपर आपको वो दिखाया गया है कि कहाँ पर है दहला डैम नियर कंधार के नजदीक आपको ये दहला डैम देखने को मिलेगा दहला डैम इज़ ऑल्सो नोन एज अर्ध अर्दन डैब डैम इट इज़ लोकेटेड इन दी शाहवाली कोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ खंदार प्रोविंस अफगानिस्तान इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन नाइनटीन फिफ्टी टू बाई दू एस ए इट इज़ बिल्ड ऑन दी अर्दन डैम रिवर डैम्स बिल्ट इन इंडिया बाई इंडिया डैम्स बिल्ट इन अफ़गानिस्तान बाई इंडिया कौन से है सो so, वो है पैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शहतूत डैम इन काबुल रिवर तो इंडिया और अफग़ानिस्तान के जो पोलिटिकल एंड जो कल्चरल रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे है uh, और अफग़ानिस्तान को उसके जो डी स्टेबिलाइज स्टेट है उसमें से स्टेबिलाइज़ करने के लिए पोलिटिकली स्टेबिलाइज करने के लिए भी इंडिया काफ़ी मदद कर चुका है और काफ़ी फ़ंडिंग इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान में जाती है अफ़गानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम जिसको नाम दिया गया है सलमा डैम हमने काफ़ी सारे लाइब्रेरीज़ वहाँ पे बनाए हैं वहाँ का जो पार्लियामेंट हाउस है वो भी इंडिया के फंडिंग से वहाँ पर बनाया गया है और अफग़ानिस्तान भी ऑलरेडी जब भी पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ कोई बात होती है तो अफगानिस्तान ऑलवेज़ सपोर्ट इंडिया ओके सो हमारे जो बायोलिट्रिकल रिलेशन है दैट इज़ वेरी स्ट्रांग सो दिस वॉज योर टूडेज़ लेक्चर्स आई होप यू हैव एन्जॉयड द लेक्चर एंड यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी टॉपिक इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी टिल देन स्टे हैप्पी स्टे सेफ थैंक यू